गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, मैं इस वीडियो लेक्चर्स में आपको क्लास 12 मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर की एनसीईआरटी की 1.3 एक्सरसाइज समझाने जा रहा हूँ। बच्चों, इस 1.3 एक्सरसाइज में फर्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है कंपोजिट फंक्शन, सेकेंड टॉपिक पढ़ना है इन्वर्टिबल फंक्शन, थर्ड फंक्शन पढ़ना है इन्वर्स फंक्शन। बच्चों, इसमें टोटल 3 टॉपिक में कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन एंड इन्वर्स फंक्शन। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों देखिए, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। कंपोजिट का मीनिंग है कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब अगर एक से ज़्यादा फंक्शन होगा तो हम उसे आपस में कंपोजिशन कर सकते हैं, यानी एक फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन को लेकर के कोई नया मिक्स फंक्शन बनाया जा सकता है। बच्चों देखिए, लेट करते हैं एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी एंड जी सच दैट बी टेंड्स टू सी। हमने यहाँ पर एक फंक्शन एफ लिया है, उसकी डोमेन ए है, कोडोमेन बी है। एक दूसरा फंक्शन लिया है जी, जिसकी डोमेन बी है, कोडोमेन सी है। बी टू फंक्शंस, देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। यानी अगर हम दो फंक्शन लेते हैं और उनका कंपोजिशन करते हैं तो डिनोटेड बाय जी ओ एफ से बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चों? डिनोटेड बाय जी ओ एफ इज डिफाइंड एज द फंक्शन जी ओ एफ सच दैट ए टेंड्स टू सी। यानी बच्चों, अगर हम बात करें, एक ऐसा कोई फंक्शन है जिसकी डोमेन तो ए है, कोडोमेन बी है, तो उसे हम यहाँ पर फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स को। ये एक्स हो गया, ये एफ एक्स हो गया, ये डोमेन है, ये इसकी कोडोमेन है। एक दूसरा फंक्शन लिया जी, जिसकी डोमेन है बी और कोडोमेन है सी। तो यहाँ पर अगर ये फंक्शन हमने जी लिया है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर जाकर के, किस तरीके से डिनोटेट किया गया, जी ओ एफ ए टेंड्स टू सी। यानी अगर हम ए टेंड्स टू सी पे कोई कंपोजिशन करते हैं तो एक नया फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जी ओ एफ एक्स, जिसे जी एफ एक्स लिखा जा सकता है। तो बच्चों, गिवन बाई जी ओ एफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स, ऑल वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। तो बच्चों, इससे हम क्या वेरीफाई कर सकते हैं, इस फंक्शन से, कंपोजिट फंक्शन से हम दो फंक्शनों का कंपोजिशन कर सकते हैं। और या तो ये मेथड बनाया गया है एनसीईआरटी पे कि किसी भी फंक्शन को अगर हमें 1-1 चेक करना हो, बच्चों अगर हमें किसी भी फंक्शन को 1-1 चेक करना हो तो हम इस मेथड से चेक कर सकते हैं 1-1। ठीक है, आप देखिए बच्चों, जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। पहले एनसीईआरटी से एग्जांपल लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर है 16। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 16, उसमें दिया गया है बच्चों कि एफ डॉट आर टू आर एंड जी सच दैट आर टू आर। अब यहाँ पर हमें दो फंक्शन दिए गए हैं और एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है कॉस एक्स, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है कॉस एक्स एंड जी एक्स की वैल्यू हमें गिवेन है 3x2। और इसमें शो करना है हमें कि जी ऑफ एफ इक्वल नॉट एफ ऑफ जी। यानी ये बताना बच्चों कि जी का एफ के साथ जो कंपोजिशन है, वो एफ के साथ अगर हम जी का कंपोजिशन करते हैं तो वो इक्वल नहीं है। मतलब ये जरूरी नहीं है बच्चों कि अगर आप जी का एफ के साथ कंपोजिशन करें और एफ का जी के साथ कंपोजिशन करें तो वो इक्वल हो सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए कैसे करना होगा इसे। यहाँ पर हमें एफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू है कॉस एक्स एंड जी एक्स की वैल्यू है 3x2। तो सबसे फर्स्ट हम फाइंड करेंगे जी ऑफ कंपोजिट ऑफ एफ, तो इसकी वैल्यू हम बच्चे लिखेंगे तो बनेगा ये जी एफ एक्स। ठीक है, जी एफ एक्स का फंक्शन अब कितना हमारे पास, कॉस एक्स। तो यहाँ पर बच्चों हमें एफ एक्स की वैल्यू को लिखना होगा कॉस एक्स, तो इट बिकम्स जी कॉस एक्स। अब हम लिखेंगे जी एक्स, बिकॉज जी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3x2। और हमें फाइंड क्या करना है,
जी कॉस एक्स, तो यहाँ पर हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो ये बनेगा जी कॉस एक्स इक्वल टू 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी वैल्यू बन गई बच्चों 3 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये बच्चों कंपोजिशन ऑफ हो गया जी ऑफ एफ एक्स, यानी जी फंक्शन और एफ फंक्शन का कंपोजिशन वैल्यू कितना फाइंड हुआ 3 कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से बच्चों सेकेंड वाली वैल्यू अगर हम लेते हैं एफ ऑफ जी, यानी एफ कंपोजिशन ऑफ जी, तो यहां पर वैल्यू होगी एफ जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो वैल्यू कितनी है 3 एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 एक्स स्क्वायर। अब हमें इसे फाइंड करना है, तो लिखेंगे बिकॉज एफ एक्स इक्वल टू है कॉस एक्स। अब यहाँ पर ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो आप इसे यहाँ पुट करेंगे तो इट बिकम्स 3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स, की जगह पर मैंने 3 एक्स स्क्वायर पुट किया तो यहाँ पर भी वैल्यू 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अब हम देखते हैं बच्चों क्या ये वैल्यू दोनों इक्वल है, नो ये वैल्यू इक्वल नहीं है। तो देखिए ये प्रूव हो गया कि जी ऑफ एफ इक्वल नॉट एफ ऑफ जी, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि जी ऑफ एफ इक्वल नॉट एफ ऑफ जी है। तो बच्चों ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 16 है। ऐसे हम एफ एक्स जी एक्स और एफ एक्स को सेल्फ कंपोजिट भी कर सकते हैं, एफ ऑफ एफ ऑफ एफ एन टाइम्स कर सकते हैं, एफ को एफ के साथ कई बार कंपोजिट कर सकते हैं, जी को जी के साथ भी बच्चों कई बार कंपोजिट कर सकते हैं, और एफ और जी अगर टू फंक्शन है तो हम उन्हें एफ ऑफ जी भी कंपोजिट निकाल सकते हैं, जी ऑफ एफ भी कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों दूसरा टॉपिक है अब इन्वर्टिबल फंक्शन, सेकेंड टॉपिक है इन्वर्टिबल फंक्शन। बच्चों इन्वर्टिबल फंक्शन, अगर ऐसा कोई फंक्शन जो बच्चों 1-1 और 1-2 दोनों हो, यानी इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इक्वल टू बाइजेक्टिव, तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल जरूर होता है, यानी फॉर इन्वर्टिबल फंक्शन शुड बी 1-1, यानी बच्चों इंजेक्टिव प्लस 1-2 यानी सर्जेक्टिव। तो हम बोलेंगे बच्चों कि फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल है, यानी फंक्शन शुड बी 1-1 है ऑन टू। देन अगर कोई फंक्शन 1-1 और ऑन टू दोनों है तो हम उसे उस फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इन्वर्टिबल फंक्शन चेक करने के लिए कैसे क्या प्रोसेस है वो मैं एनसीईआरटी के भी आपसे बताता हूँ कि एनसीईआरटी में इन्वर्टिबल फंक्शन को कैसे प्रूव किया जाता है। या तो देखिए बच्चों आप जनरली मेथड आप देखें कि 1-1 और 1-2 चेक कर लीजिए, तो 1-1 और 1-2 तो हम लोग चेक करना जानते ही हैं, अगर फंक्शन 1-1 और 1-2 है तो वो क्या होगा इन्वर्टिबल होगा। लेकिन एनसीईआरटी प्रोसेस में कैसे इसे करना है, देखिए इन्वर्टिबल करने के लिए हाउ टू प्रूफ फंक्शन इज 1 इन्वर्टिबल। तो सबसे पहले बच्चों इस पर क्या होता है, लेट अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज अ given function, मतलब हमें कोई एक फंक्शन गिवेन है
लेट अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज अ गिवन फंक्शन. बच्चों कोई एक ऐसा फंक्शन गिवन है जिस पर लिखा हुआ है f such that a tends to b. तो ये डोमेन है और ये कोडोमेन है. अब यहाँ पर करना कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग इस पे इस फंक्शन को हमें लिखना होता है एफ एक्स. ठीक है, एक इक्वेशन एफ एक्स की फॉर्म पे होती है, सेकेंड इक्वेशन आप एक वाई के फॉर्म पे लिखेंगे. ठीक है, एक मतलब अगर कोई फंक्शन हमें एक्स की फॉर्म में गिवेन है तो आप उसे वाई के फॉर्म पे भी लिखेंगे और फिर हम लेट करेंगे एफ एक्स को वाई. तो वाई इक्वल टू हो जाएगा गिवेन इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स. फिर हम यहां से बच्चों एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ वाई. यानी अब बच्चों हम यहां पर एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में फाइंड कर लेंगे. तो यहां पर हमारे पास एक फंक्शन आएगा जी वाई, थर्ड फंक्शन बनेगा, और एक फंक्शन बनेगा जी एक्स. ये फोर्थ फंक्शन की इक्वेशन बनेगी. तो बच्चों अब हमारे पास यहाँ पर टोटल फोर इक्वेशंस होंगी. तो अगर किस हमें इनवर्टिबल प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें प्रूव करना पड़ता है कि g ऑफ f इक्वल टू i x है. बच्चों हमें इनवर्टिबल प्रूव करने के लिए कंपोजिट फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी और प्रूव करना होगा g ऑफ f की वैल्यू i x है और दूसरी f ऑफ g y यानी इसकी वैल्यू आई वाई है. एफ ऑफ कंपोजिट फंक्शन कितनी वैल्यू है आई वाई. तो बच्चों मैंने आपको ये बताया कि अगर किसी भी फंक्शन को हमें इन्वर्टिबल प्रूव करना हो तो या तो 1-1 और 1-2 प्रूव कर दीजिए तो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, और या तो हमें प्रूव करना होगा कि जी ऑफ एफ की वैल्यू आई एक्स आएगी और एफ ऑफ जी की वैल्यू आई वाई आएगी. तो देखते हैं बच्चों एग्जांपल से करते हैं कौन कौन से एग्जांपल हैं. तो मैं एनसीईआरटी के मैं आपको 2 or 3 एग्जांपल्स कराता हूं इसके लिए इनवर्टिबल प्रूव करने के लिए. और अच्छा बच्चों स्कूल में ना हम 1-1, 1-2 कर देते हैं तो स्कूल टीचर्स मार्क्स काट कर ये बोलता है कि हमारा एनसीईआरटी मेथड से नहीं है. तो ये वाला ही मेथड आपको एनसीईआरटी से करना है, बाकी वाला 1-1, 1-2 प्रूव कर दे तब भी इनवर्टिबल प्रूव हो जाएगा. तो आप देखते हैं एग्जाम्पल में है बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है 17 है. Example 17. इसमें दिया गया बच्चों so that if f dot f such that r 7/5 tends to r minus 3/5. यानी बच्चों यहाँ पर ये हो गई इसकी डोमेन और ये हो गई कोडोमेन. is defined by fx equal to 3x plus 4 upon 5x minus 7 and g such that r tends to curly 3/5 tends to r curly of 7/5 is defined by gx equal to 7x plus 4 upon 5x minus 3. Then हमें f of g की वैल्यू प्रूव करनी है ia और g of f की वैल्यू प्रूव करनी है ib. यानी बच्चों यहाँ x और यहाँ पर y आएगा. तो बच्चों हम इसे करते हैं. देखिए ये example 17 है, यहाँ पर फंक्शन की डोमेन है और ये कोडोमेन, ये f की डोमेन ये कोडोमेन है और ये फंक्शन fx है और ये वैल्यू है g के लिए, g की ये रखी है वैल्यू. यहाँ पर देखिए ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, यानी इसकी जो
वो डोमेन है, यहाँ डोमेन बन गई और ये वैल्यू आ गई सी इज डिफाइंड जी एक्स एफ ऑफ जी इक्वल टू आई एक्स आई ए जी ऑफ एफ इक्वल टू आई बी। तो बच्चों इसको सबसे पहले अगर हम करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एफ ऑफ जी फाइंड करना है, तो हम लोग बच्चों इसमें एफ ऑफ जी फाइंड करते हैं सबसे पहले एफ ऑफ जी, तो ये बच्चों हो जाएगा एफ जी एक्स, यानी एफ ऑफ जी का कंपोजिशन फंक्शन लिखा जाता है एफ जी एक्स। तो बच्चों जब एफ जी एक्स लिखेंगे तो यहाँ जी एक्स की वैल्यू क्या है, हमारे पास जी एक्स की वैल्यू है 7x plus 4 अपॉन 5x minus 3। अब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो बच्चों लिखेंगे बिकॉज एफ एक्स की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3x plus 4 upon 5x minus 7। तो हम इस वैल्यू से x को रिप्लेस कर देंगे, बच्चों 7x plus 4 upon fx minus 3 जो हमें फाइंड करना है हम उसे x से रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू को, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7x plus 4 upon 5x minus 3 और 8 becomes 3, 7x plus 4 upon 5x minus 3 plus 4 upon 5, 7x plus 4 upon 5x minus 3 minus 7। अब बच्चों इसको एलसीएम ले लेते हैं, जब हम इसको एलसीएम ले लेंगे तो 8 becomes 3, 7, 21x plus 12 और ये हो जाएगा 4, 5, 20x minus 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा 35x plus 28, 75 minus 35x plus 21। तो बच्चों 35 कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 41x, ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी टोटल 35 और यहाँ पर 20 होगा, सॉरी बच्चों, और ये हो गया 41, 41 से 41 कैंसिल हो गया x, यानी बच्चों प्रूव हो गया ix, ठीक है बच्चों। तो ये फर्स्ट वाला प्रूव हो गया f of g equal to ix, ia यानी ix यानी आइडेंटिटी फंक्शन x। इसी तरीके से दूसरा वाला हमें प्रूव करना है g o f की वैल्यू बच्चों, तो जब हमें g o f की वैल्यू प्रूव करनी है सेकेंड वाला, तो हम लेंगे जी ओ एफ, ठीक है बच्चों सेकेंड वैल्यू लेते हैं, तो जी कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स, जी एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 3x plus 4 upon 5x minus 7। अब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो बच्चों लिखेंगे बिकॉज जी एक्स की वैल्यू है हमारे पास 7x plus 4 upon 5x minus 3। अब वैल्यू बच्चों हमें इससे रिप्लेस करना है x से, तो इस वैल्यू को हम x से रिप्लेस करेंगे 3x plus 4 upon 5x minus 7 equal to 7, x की जगह पर वैल्यू रिप्लेस होगी 3x plus 4 upon 5x minus 7 minus 7। अब बेटा कैलकुलेट करते हैं तो बन जाएगी 21x plus 28 plus 20x minus 28, 28 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 15 और प्लस 20 माइनस 35x और प्लस का 49। अब बेटा ये वैल्यू देखते हैं कितनी बन गई यहाँ पर, यहाँ पर है 5x minus 3, बेटा यहाँ पर 3 है तो ये वैल्यू बनेगी 3, 5, 15x minus minus plus 21 और ये वैल्यू हो जाएगी 41x, ठीक है 15 से 15 कैंसिल हो गई 14x और 41, 41 से 41 कैंसिल हो गया, ठीक है और ये वैल्यू बन गई x आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब बच्चों हम लोग ने यहाँ पे निकाला f ऑफ g और एक निकाला g ऑफ a, यानी अब यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल था वो यहाँ पर y आना चाहिए था बच्चों, क्या आना चाहिए था y आना चाहिए था, तो अब हम इसे देख रहे हैं ये x भी आ गया
हमने मैंने इसको x के टर्म पे कर दिया। अगर बच्चों इसे y के टर्म पे करते तो हम इसे टोटल i भी लिख सकते थे, यानी यहाँ पर इसे y के टर्म पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर y कर देंगे, इस पर y कर देंगे, इस पर y, टोटल इक्वेशन y के फॉर्म पे शिफ्ट हो जाएगी।